बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर शो में आपको खुश आमदेद। आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बहुत से लोगों की ये गलत फहमी दूर कर दी है कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। आज उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त अदालत नहीं दी थी, उनको भेज दिया गया। और अब वो बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आएं, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर वो वापस आएंगे तो उनको ट्रैवल अलाउंस और पॉकेट मनी भी दी जा सकती है। तो जो लोग ये कहते थे कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से अदालत ने भगा दिया है, वो लोग आज गलत साबित हो गए हैं। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो बात कही है, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफ भी कर सकता है। दूसरा मामला आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो एक मुकदमा ज़ेर समाहत है, एफआईए उसकी इंक्वायरी भी कर रही है, तो उस सिलसिले में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मलकीती असासों की तफसील मांगी गई है। तो सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ पर दबाव नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब पर भी दबाव है। और तीसरी तरफ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है वो भी बहुत से मुकदमात का सामना कर रही है। तो क्या ये जो नई सूरत हाल है, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत को एक दूसरे के करीब ला सकती है? ये दोनों पार्टियां माजी में परवेज़ मुशर्रफ के मामले पे बहुत तनकीद करती रही हैं, इनडायरेक्टली अदालतों के बारे में बहुत से बात करती रही हैं, लेकिन क्या अब मुशर्रफ के मामले पर भी ये कोई एक मौकफ इख्तियार कर सकती हैं या सिर्फ लिप सर्विस जारी रहेगी? इस पर आज हम बात करेंगे। तीनों बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे जो हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रमेश कुमार साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सेनेटर सलीम ज़िया साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। थोड़ी देर में सेनेटर बहरम अंतंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन रमेश कुमार साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से मुशर्रफ साहब के बारे में जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो अदालत की मर्जी से पाकिस्तान से नहीं गए और उनको अब पाकिस्तान वापस लाना है। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इतनी अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करेगी कि इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश करें? देखें, पहली चीज़ तो ये कि माजी में ये जब अदालत के ऊपर बात की गई, तब चौधरी निसार साहब से, आपको पता है मैं भी थोड़ा सा होता था नज़दीक, ये जो माजी में हमेशा मियां कहता था कि मैंने कंप्रोमाइज़ किया कंप्रोमाइज़ किया, मगर उन चीज़ों का मुझे एटे नहीं मिला, तो उस वक्त भी अदालत को हाईलाइट किया गया। और आज चौधरी चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ को वाजह कर दिया कि अदालत का इसके अंदर रोल नहीं था। मुशर्रफ का जो केस था वो होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को उस टाइम देखना चाहिए था, मगर पीपल्स पार्टी जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, पाँच साल अपने टाइम पे नहीं किया। उसके बाद मियां साहब ने शुरुआती जज्बात बहुत थे, शुरुआत में आर्टिकल 6 की भी बात की, मगर वो भी वापस रिवर्स हो गए। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर दो दो तीन तीन मरतबा गवर्नमेंट की है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। अब हमारी गवर्नमेंट है, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो ये ज़रूर चाहेगी कि अगर कोर्ट के कोई भी आर्डर आते हैं कि किसी को पेश करना है, इंटरपोल को यूज़ करना है किस तरीके से कम कानून की हुक्मरानी की खातर कोर्ट के हर आर्डर को ओबे करेगी, चाहे वो मुशर्रफ का केस हो, चाहे वो किसी और लीडर का केस हो। जहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कहीं से भी बू नहीं आएगी, सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात होगी। क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट का जो एक अपना जो मैंडेट है वो भी ऐसा है कि अपोजिशन बहुत मजबूत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा फोक ये है कि हमने जो वायदे किए हैं कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान के सर्वाइवल की खातर हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर हो। हाँ, करप्शन भी हमारा फोकस है कि करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे वापस लिया जाए, मगर हमें वे फॉरवर्ड की तरफ भी बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आगे एक्सपेंडिचर को किस तरीके से। लेकिन वे फॉरवर्ड में सिर्फ आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है, परवेज मुशर्रफ भी है, सारे हैं, मगर सब केसेस को कोर्ट देख रही है, कहीं पे नैब देख रही है, कहीं पे एफआईए देख रही है। आज अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी बात आती है तो वहां पे भी हमने माजी की चीज को कंटिन्यू रखा, मगर हमने हकीकत में ये गलत। अच्छा, वो उस पर बात करते हैं। अब सेनेटर सलीम ज़िया साहब, परवेज मुशर्रफ साहब जब पाकिस्तान से गए तो आपकी पार्टी की हुकूमत थी और ये कहा जाता था कि जी इनको अदालत ने भेजा है। अब आज चीफ जस्टिस साहब ने इसको वाजे कर दिया है,
اب حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں یہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں یہ نقطہ اٹھائیں گی کہ پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ قائم کیا جائے؟ حامد میر صاحب، چلے یہ تو آج چیف جسٹس صاحب نے اپنی بات کر دی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ذمہ داری تو جنرل مشرف صاحب پر یہ ہے کہ وہ از خود جو اپنے آپ کو کمانڈو جنرل کہتے تھے اور بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، وہ کچھ نواز شریف صاحب سے کچھ تو سبق سیکھ لیں۔ نواز شریف صاحب کو یہاں پر سزا ہو گئی، 10 سال کی قید ہوئی اور بیٹی صاحبزادی مریم کو 7 سال کی ہوئی، وہ پاکستان سے باہر تھے، لندن میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے دلیری اور غیرت کا مظاہرہ کیا اور وہ پاکستان بالکل آئے اور تیسرے دن پاکستان پہنچ گئے، اور ان کو پتا تھا کہ یہاں پر وہ کسی سرمونیل پروگرام میں نہیں آ رہے، ان کو پتا تھا کہ میں نے سیدھا جیل جانا ہے، اور وہ جیل گئے اور جیل جا کر انہوں نے کورٹ کو فیس کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اس سے پہلے یقینی طور پر میری نظر میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی ہے، اگر آئی بھی ہے تو وہ لوگ تب واپس آئے ہیں لوگوں کو جب ان کی حالات ان کے موافق ہو گئے یا ان کی پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب نے مثال قائم کی ہے، جنرل صاحب کو کچھ اس پر شرم آنی چاہیے، کچھ غیرت کرنی چاہیے، اور وہ اس معاملے پر تنقید کرتے ہوئے واپس خود آئیں، نہ کہ ان کو ایک بے عزت کر کے انٹرپول کے ذریعے یا دوسرے پولیس کے ذریعے یا دوسری فورسز کے ذریعے واپس لایا جائے۔ تو ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو جو ان پر ایک بڑا بدنما داغ ہے اس کو بھی صاف کریں اور اب پاکستان واپس آ کر کورٹس پا کے فیس کریں، ایسے نہ چھپیں، کبھی دبئی میں چھپے ہوئے ہیں، کبھی لندن میں چھپے ہوئے ہیں، کبھی ڈانس پارٹیز میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر گانے بجا رہے ہیں، کبھی ادھر گانے سن رہے ہیں، تو یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے، ان کو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اب ہمیں جوائن کیا جی سینیٹر بیرامن تنگی صاحب نے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اقبال محمد علی صاحب پاکستان کی ایک بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ، ان سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بیرامن تنگی صاحب، بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، مائی فادر اینڈ فارمر پریزیڈنٹ جسٹ اپیئرڈ بفور اندر کورٹ دس مارننگ وائلس دس ڈکٹیٹر پلیز آن گولف کورسز اینڈ پینٹ ہاؤسز ابراڈ، اور آگے انہوں نے ان کی تصویر بھی لگائی ہے جس میں وہ سگار پی رہے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہیں دبئی میں۔ تو یہ جو ڈکٹیٹر تھا، جب پاکستان سے جب پہلی دفعہ گئے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، دوسری دفعہ گیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اب آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں، دونوں مل کر مطالبہ کریں گی کہ اس کو واپس لایا جائے یا صرف ٹویٹ کریں گے آپ، لپ سروس کریں گے؟ تھینک یو حامد میر صاحب آپ کے شو میں آنے کا۔ ٹویٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آصفہ بھٹو زرداری صاحب نے اور بختاور بھٹو زرداری صاحبہ، جناب آصف علی زرداری صاحب کی بیٹیاں ہیں اور وہ پالیٹکس کو آبزرو بھی کرتی ہیں، پیپلز پارٹی کے پالیٹکس کو کرنا بھی چاہتی ہیں، انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرز ہوں گی، انشاءاللہ اس ملک کے لیے کچھ قربانیاں دیں گی۔ جہاں تک اس ٹویٹ کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم بحث کریں گے، آصف علی زرداری صاحب نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور اس میں جیل بھی کاٹی ہے 11 سال، اور پھر بھی ہم عدالتوں کا احترام کر کے عدالتوں میں پیش ہوں گے، لیکن ان کو ایک یاد دہانی کے لیے کہ کیا ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 11 سال جیل میں گزارنے کے بعد بھی وہ عدالتوں کا چکر کاٹتے ہیں، اور وہاں پر جو ایکس پریزیڈنٹ جو ڈکٹیٹر تھا وہ گالف کھیلتے ہیں، تو اس کے لانے کے لیے کوئی میکینزم ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، ان کے لیے اسٹریٹجی ایسی بنائی گئی ہے کہ عدالتیں ان کو یہاں لے آئے، انٹرپول کے ذریعے لے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، اس وقت نواز گروپ نہیں، بلکہ اس وقت تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ مشرف جیسے لوگوں کو پاکستان لے آئیں اور ان کو جو گناہ ہے ان کو سزا ملنا چاہیے۔ جی اقبال محمد علی صاحب، آپ کیا کہیں گے، پرویز مشرف کو پاکستان لانا ضروری ہے؟ کیا ان کو اگر لایا جائے تو اس کے بعد ہی رول آف لا اسٹیبلش ہوگا یا ان کے بغیر بھی رول آف لا کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے وہ میچ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اور ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی باہر گھوم رہے پھر رہے ہیں، تو یہ سب کے ساتھ جو ہے، کیونکہ جب تک کہ
اس وقت تک عوام کو مطمئن نہیں ہوگی کہ سب عدالتیں جتنی بھی ہیں جب تک کہ یکساں سلوک نہیں ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ، لیکن آج عدالت نے تو کہہ دیا کہ یہ تو خود گیا ہے، ہم نے اس کو نہیں بھیجا، اب اس کو واپس لائیں۔ وہ عدالت کہہ رہی ہے یہ واپس آتے ہیں ہم ان کو پاکٹ منی بھی دیں گے، ٹریول الاؤنس بھی دیں گے، اور کیا کرے عدالت؟ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ وہ کہے گا جی ہم انٹرپول کے لیے لے کے آتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، اب حکومت کا کام ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لائیں، اور میرا خیال ہے بیچ میں انہوں نے وہ کوشش بھی کی ہے کہ ان کو بلانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کے لیے، تو اور آنا چاہیے تاکہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ چلے، تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ آپ اس وقت جو عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کر رہی ہیں، چاہے بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مشرف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے اچھی ہوگی کہ تاکہ آئندہ جو اس قسم کے کوئی اس قسم کا اقدام نہیں اٹھا سکے۔ اور اب تو ویسے بھی آپ کی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں فروغ نسیم صاحب، اب تو ویسے بھی وہ ان کی وکالت سے ہٹ گئے ہیں وہ بالکل۔ تو اس پہ رمیش کمار صاحب، اب دو پارٹیاں حکومت کی ہیں، دو اپوزیشن کی ہیں، چاروں پارٹیوں کو اتفاق ہے کہ مشرف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے اور لانا بھی چاہیے۔ حامد میر صاحب، مجھے بولتے ہیں جب آدمی کی اپنے سر پہ آئے تو اس ٹائم نبھائے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ کے اندر کچھ نہیں کیا، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ کے اندر اس کے علاوہ سے کچھ نہیں کیا۔ آج وہ ایکسپیکٹ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نئے پاکستان کے نعرے کے اوپر آئی ہے اور اس وجہ سے وہ کر کے دکھائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی ایکسپیکٹ کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ پورا اترے گی۔ قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی کے لیے بڑا چھوٹے کا تصور وہاں پہ نہیں ہوگا۔ جو قانون کہے گا اس قانون کو فالو کیا جائے گا، چاہے مشرف ہوگا، چاہے حسن ہوگا، چاہے حسین ہوگا، چاہے ڈار صاحب ہوگا، جس کے لیے جو احکامات ہوں گے۔ آپ خان صاحب سے آپ خود بھی واقف ہیں، اور مجھے لسٹ لمبی ہو گئی ہے، پرویز مشرف، حسین، حسن، اسحاق ڈار۔ کیونکہ خان صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مین آف کمنڈمنٹ والا بندہ ہے، اور جو بات کرتا ہے اور اس وقت وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے ندائے، وہ کہتا ہے کہ قانون کی حکمرانی، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیکٹ بالکل خود نہیں کر سکے۔ آدمی جب خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ ایکسپیکٹ تب کرتا ہے جب اس میں ہمت سمجھتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی میں ہمت سمجھتے ہیں تو ان کی ہمت دکھائیں گے۔ اور سلیم زیاد صاحب تو صرف پرویز مشرف کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ سلیم زیاد صاحب کو میں ایک چیز اور بتاؤں، دیکھیں نا، میاں صاحب اگر خود آئے، بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ڈسکس ہوا، وہ تھا پولیٹیکل سروائیول۔ اگر نہیں آتے تو ایک تنظر یہ مانے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سخت بیمار تھی۔ جناب یہ بات نہیں ہے، اتنی آسانی سے بات نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ کورٹ میں نہیں پیش ہوتے، پاکستان میں ہوتے ہوئے پیش نہیں ہوتے، کوئی بنی گالا میں چھپ جاتا ہے، کوئی نتھیا گلی چلا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن سلیم زیاد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں رمیش کمار صاحب کہ مشرف کو بھی لانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، انہوں نے نام لیا حسین نواز کا، حسن نواز کا اور اسحاق ڈار کا، تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ مشرف کو تو بالکل لانا چاہیے، سب کا اتفاق ہے، تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی لانا چاہیے پاکستان واپس؟ دیکھیں جی، میرا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ جس نے بھی اگر کوئی غلط کام کیا ہے اور اگر وہ کسی زمرے میں آتا ہے، قانونی شکنجے میں آتا ہے، تو اس کو بالکل پاکستان خود آنا چاہیے۔ خود نہیں آتا تو اس کو پھر لایا جائے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سیاستدانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسرے جو محکمے کے لوگ ہیں ان پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ کا کیس ہے جس میں 13 بہت سینئر آرمی آفیسرز ہیں، آرمڈ فورسز کے ہیں، ان کا بھی کیس چلنا چاہیے، جس میں ایک میجر جنرل صاحب ہیں، 3 بریگیڈیئرز ہیں اور سینئر لوگ ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کا کیس، آپ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ میرے علم میں یہ ہے کہ ایک جو بلوچستان میں جو کیس تھا تو اس میں کافی سارے آرمی آفیسرز کو معطل کیا گیا تھا، کچھ رقم بھی ان سے برآمد کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ صرف معطل کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، سزائیں ایک طرح کی ہونی چاہیے، تو ان کے اندر ایک طرح کی ہونی چاہیے۔ رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اندر جو اکاؤنٹبلٹی کا سسٹم ہے، اگر ایسا ہی سسٹم آپ اپنی پارلیمنٹ میں بنا لیں، ویسے پارلیمنٹ میں تو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ویسے رمیش کمار صاحب کی بات رہنے دیں، رمیش کمار صاحب کی بات رہنے دیں، ان کا یہ نہیں پتا چلتا کس پارٹی میں ہے،
یہ ہر سیزن میں ہر الیکشن میں ایک نئی پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ ایسے آپ کا خیال ہے آپ کا سلیم ضیاء صاحب کے لیے سلیم ضیاء صاحب پانچ سال کے کیوں خاموش رہے سلیم ضیاء صاحب میں اس وقت بھی کہتا رہا میں اس وقت خاموش کیوں رہے اس وقت جب آپ سپریم کورٹ جاتے تھے جب آپ جی آئی ٹی میں جاتے تھے تب بھی میں آپ کو کہتا تھا کہ سلیم ضیاء صاحب آپ وہاں جا رہے ہیں میں وہاں پہ بھی دو سال آپ کو نظر نہیں آیا. میں نے کہا اگر کیسز کسی بھی لیڈر کے اوپر آئے کم سے کم ان کو فیس کرنا چاہیے. یہ تو دو ڈھائی سال پرانی بات ہے. میں کبھی آپ کو سپریم کورٹ یا جی آئی ٹی میں نظر نہیں آیا کبھی ایڈ صاحب عدالت نظر نہیں آیا. یہ تھیوریاں غلط ہیں. اگر کسی کے اوپر آج اگر میرے کسی پی ٹی آئی کے منسٹر کے اوپر کیس آئے میں اس کو ڈیفینڈ کرنا بیٹھ جاؤں یہ میرا کام نہیں ہے. اپنے لیڈر کے سامنے اپنے لیڈر کی تاریخیں بھگتتے رہے ہیں سلیم ضیاء صاحب دو کشتیوں میں سوار رہے ہیں بلکہ آپ کا چلے تو آپ تین کشتیوں میں سوار ہو جائیں آپ اپنی بات چھوڑ دیں. یہ صاحب آپ نے اپنی بات کر نئی پارٹی بدلتے ہیں. سلیم ضیاء صاحب آپ نے اپنی بات کر دیا رمیش کمار صاحب نے اپنی بات کر دیا. میں ایک درمیانی بات کروں اگر آپ برا نہ بنائیں سلیم ضیاء صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں ایک درمیانی بات کروں آپ کی اجازت سے اگر آپ اجازت دیں گے تو بات کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. کر لوں جی سلیم ضیاء صاحب کر لوں. یہ جناب آپ کو کون روک سکتا ہے بادشاہ ہیں. میں پھر بھی آپ کے ادب اور احترام سے یہ رمیش کمار صاحب نے وہی کام کیا ہے جو مشاہد حسین صاحب نے کیا ہے تو اگر انہوں نے غلط کیا تو پھر مشاہد حسین نے بھی غلط کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل تو میں تو ان کی بھی کوئی بات نہیں ان کے لیے بات نہیں کہہ رہا مگر وہ کم از کم خاموش تو بیٹھے ہیں نا. یہ تو اپنی سلیم ضیاء صاحب انٹیلیکچوئل اور ضمیر بندے کا اپنا ہوتا ہے اور اگر ٹائم کے اوپر وہ پرفیکٹ طریقے سے اپنا موقف اگر نہیں دے سکے تو میں سمجھتا ہوں زندگی اور ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اقتدار کا آخری دن ضمیر جاگتا ہے اور ٹائم بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو بتا دیتا ہے کہ اپنا موقف کم سے کم عوام کے طرف پہنچنا چاہیے کہ میرا نظریہ کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں چھوڑ یہ نہیں ہو. چلے اب آگے چلتے ہیں. آپ کا ضمیر آپ کے ضمیر کو سلام ہے آپ کے ضمیر کو سلام ہے کہ ہر اقتدار کا آخری دن ہوتا ہے سلیم ضیاء صاحب بس جاگ جاتا ہے آپ کو سلام ہے سر کوئی بات نہیں. چلے اب آگے چلتے ہیں. سلیم ضیاء صاحب آپ آگے چلتے ہیں. بہرامن تنگی صاحب آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جو زرداری صاحب کا کیس ہے اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ملکیتی اثاثے مانگ لیے گئے ہیں. مشرف صاحب پہ بھی دباؤ ہے. نواز شریف صاحب بھی بہت سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو آج خورشید شاہ صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. پرسوں راجہ ظفر الحق صاحب جو ہے نیر بخاری صاحب کے گھر پہ گئے تھے. اچانک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو قربتیں ہیں یہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ قربتیں کہاں تک جائیں گی؟ دیکھیں حامد میر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جہاں تک عدالتوں میں کیس عدالتوں کو فیس کرنا عدالتوں میں پیش ہونا میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ سے کوئی سیکھے اور اس ملک کی اور اس ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے اور اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف لڑ لڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بینظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی ہیں. لیکن اگر آپس میں شہباز شریف صاحب اور خورشید شاہ صاحب ملتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ہیں اگر ہم ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں اور پر دا سیک آف اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم اور پارلیمان کے فلور سے آواز اٹھانا اپوزیشن لیڈرز کے اور اپوزیشن پارٹیز کی ذمہ داری ہے. تو ہم ایک ایجنڈے پہ متفق ہیں اور وہ اس جعلی مینڈیٹ اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف تاکہ عوام بہبر ہو عوام کو پتہ چلے کہ اس جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر آیا ہے اس کا اپوزیشن اس کا پارلیمان میں. بہرامن تنگی صاحب آپ کا نقطہ بالکل آپ کو رائٹ ہے جو بھی بات کہنے کا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر یہ جعلی مینڈیٹ ہے تو سندھ میں جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی جعلی حکومت. دیکھیں میری بات سنیں ایک پارٹی کے مینڈیٹ کو کم کرنا اور 150,000 ووٹوں سے 84,000 لوگوں کے لانا مینڈیٹ بڑا ہے نہیں آپ کی پارٹی کا مینڈیٹ بڑا ہے. جب 18 جماعتیں مل کر گرینڈ اپوزیشن بنا دیا تو اس بات کا یہ میسج تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ڈیلیور کر کے عوام ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اسی وجہ سے 18 پارٹی مل کر اس کے خلاف اپوزیشن بنا دی. ورنہ کے پی میں پی ٹی آئی کے خلاف تو اپوزیشن نہیں بنی تھی. پی ٹی آئی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتے تھے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کو اگر پلیٹ میں نہیں دے گیا وہ ہاریں گے وہ 5-6 سیٹیں جیتیں گے. لیکن جب ان کو سیٹ میں دے کے پلیٹ میں دے کے ان کو جتوا دیا گیا تو ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے تو اب اقبال محمد علی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اب بائی الیکشن آ گیا ہے
तो बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने भी लड़ना है इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने भी लड़ना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये बातचीत चल रही है कि हम आपस में मुश्तरका कैंडिडेट्स जो हैं वो पुट करते हैं। आप इलाही हैं पीटीआई के, तो पीटीआई और एमक्यूएम भी मुश्तरका उम्मीदवार खड़े कर सकती है। तो कैसे, ये तो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपके और मुस्लिम लीग नून के भी तो एक दूसरे पर इल्जाम है। नहीं, हमने इस इलेक्शन पे तो नहीं कहा। ये तो अभी उस दिन मकबूल सदीकी साहब ने फ्लोर पे एज ए फेडरल मिनिस्टर कहा कि ये जाली मैंडेट है, इसने रिगिंग की है कराची में, तो कैसे ये मिलेंगे? जवाब इकबाल साहब से ले लेते हैं। देखिए, ये बात सही है अपनी जगह पे कि ये अपने स्टांस से हट गए। जो इस वक्त इलेक्शन हुए हैं और खास तौर पे सिंध में जो हुए हैं उसमें बिल्कुल इलेक्शन में वो सारी चीजें जो हुई है वो बिल्कुल हुई है, 100% दानली हुई है। ठीक है, मैं 3 बजे तक, दूसरे दिन 4 बजे तक रिजल्ट के इंतजार में बैठा रहा हूँ। मुझे दूसरे दिन 12:30-1 बजे के बाद जाके रिजल्ट दिया गया। हालांकि सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने इनका आ गया था, शाह साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का। अब जब वहाँ का रिजल्ट आ जाता है तो कराची के रिजल्टों में फिर तमाम हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको निकाल दिया। मैंने DRO से शिकायत की वहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर, सब बाकायदा एक मीटिंग हुई थी। जब तक फॉर्म 45 आपको नहीं लिया जाएगा कोई उस पर नहीं जाएगा, और फॉर्म 45 पे जो साइन होंगे वो RO के, रिटर्निंग अफसर के, जब तक नहीं हो जाए तो वो तमाम। और आज तक आप उठा के देख लें फॉर्म 45 हमें भी जो मिले हैं। अब आपके सामने ख्वाजा सोहेल मंसूर वाला केस है, 336 देर एंड देर होनी चाहिए थी रिकाउंटिंग, उसी वक्त ही 3,800 रिजेक्टेड वोट थे और 336 वोट के वो अभी तक कोर्ट के केस, हाई कोर्ट के केस और इलेक्शन कमीशन के वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उस बात को वो करते हैं कि तो ये जो पार्लियामेंट्री कमीशन है इंक्वायरी, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमीशन बना है और इसके अंदर पार्लियामेंट्री कमीशन नहीं है, वो एक इवान का की कमेटी है। सारी सिर्फ नेशनल असेंबली के लोग हैं, उसमें सेनेट के लोग ही नहीं है। ये सेनेट के लोग भी होते, मैं ये समझता हूँ कि सेनेट की नहीं, कौमी असेंबली का मसला चल रहा है ये, मगर सेनेट के लोग अगर उसमें हो वो भी अच्छी बात होनी चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसके अंदर जो भी फैसला हो, तमाम पार्टीज के नुमाइंदे हैं इसके अंदर, हकायक सामने रखे जाएं ताकि, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत साफ सुथरे फेयर एंड शफाफ इलेक्शन हुए सुबह से 6 बजे तक। 6 बजे के बाद जो RST सिस्टम आपका डाउन हुआ 3 घंटे, उसी में सारा मामला आपके सामने आ गया, जो कुछ भी हुआ ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी और ये अलायंस करके लड़ेंगे, देखे वो PM के इलेक्शन के वक्त एक मैटर आ गया था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर एक मैटर आ गया था अनवर मजीद, और उसकी वजह से, इस वजह से पीपल, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन को जो है ना बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, मुस्लिम लीग और जो है, जो सही अपोजिशन हो, अगर सही अपोजिशन होगी तो हुकूमत भी सही तरीके से चलेगी। आप क्यों नहीं, तो MQM भी हमारे साथ होगा ना, अपोजिशन के साथ, तो ये भी हमारे साथ ही बन गए कि जो हम कह रहे हैं वो ए भाई, आपने जो गुफ्तगू की है सारी, ये तो ये बहरमंतनी साहब वाली और सलीम जिया साहब वाली गुफ्तगू है। जो हकीकत है उसको तो बात करेंगे ना यार, कि अगर हम हर चीज में हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो नहीं बैठे हुए, सलीम जिया साहब क्या कह रहे हैं आप, जिंदाबाद जिंदाबाद का, बिल्कुल जिंदाबाद, हमें भी कहता है सलीम जिया साहब ने जिंदाबाद कह दिया एक बार, उस दिन खालिद महमूद सदीकी साहब को भी जिंदाबाद कहा। अच्छा, लेकिन सलीम जिया साहब ये अगर जिंदाबाद कर दिया, इकबाल मोहम्मद अली साहब ने जिंदाबाद कर दिया है, तो क्या आप तमाम अपोजिशन और हुकूमत की पार्टियां मिलकर जो पार्लियामेंट्री कमीशन है इसमें आप दावा करें धांधली हुई है, उसका कोई ठोस सबूत रखेंगे उस कमीशन के सामने? कोई है सबूत आपके पास? मैं समझता हूँ इतने हामिद मीर साहब इतने सबूत हैं कि आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये इस कदर धांधली ज्यादा था, और 6 बजे के बाद जिस तरह हुआ ये सब इलेक्शन कमीशन की वो है, उसके ऊपर किसी तरह का इकबाल मोहम्मद अली साहब, हमेशा ये बुनियादी असूल है और बैन अलाकवामी असूल है कि वोटिंग की जो गिनती है वो पोलिंग एजेंट्स के सामने होती है। ये वाहिद और पहला इलेक्शन है कि जिसमें पोलिंग जब गिनती हुई तो सारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। इस पर सारी पार्टीज मुत्तफिक हैं कि यही बात हुई है और उसी में सारी धांधली की गई, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट सामने आए हैं वो मैं समझता हूँ वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सामने आया है, और एक मखसूस लोगों को जिताने के लिए खास तौर पर कराची में जो खेल खेला गया मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती हुई है।
और अच्छा उसके लिए तमाम हमारी पहली चीज तो ये कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने भी इल्जाम लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगते हैं, और इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर गवर्नमेंट लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट का आपके थादी इकबाल उसके ऊपर भी उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया। ठीक है, अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन उस टाइम पे कौन था, गवर्नमेंट किसकी थी, इल्जाम कौन लगा रहा है। दूसरी चीज ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जब भी ये आज इलेक्शन नहीं, आप 2002, 2008, 2013 जितनी भी इलेक्शन हुई है यही रोना धोना होता है, मगर उसका तरीकेकार क्या है, उसका तरीकेकार था इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल 2017 जब कंसेंसस के साथ आता है। अब अगर जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमीशन नहीं, स्पेशल जो कमेटी बनी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ, और ये कमेटी आप देखें कि खान साहब ने पहली स्पीच में बना दी, ये जो बनाई ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए था कि माजी में ऐसी कमेटियां नहीं बनी, माजी में पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने के लिए भी 2-2 साल लगे, आज अगर उन्होंने बनाई, उसने कहा, उसने करके दिखाया कि हाँ ठीक है अगर ऐसी कोई बात है मैं बनाने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने बना दी। अब कमेटी की जो रिकमेंडेशन आती है उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि आया इसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ है तो उसका रिड्रेसल क्या है कि वो दोबारा 2023 में नहीं हो, हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि अब दिन ब दिन वक्त गुजर रहा है। आपको लगता है आप 2023 तक चल जाएंगे? कौन? ठीक है, अगर इस तरीके से माजी की तरह अगर हुकूमतों को डिस्टर्ब किया गया तो फिर नहीं, नहीं डिस्टर्ब जैसे देखें, वो इकबाल मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू सुन ले आप, ठीक है, हुकूमत के अतहादी हैं। मैं आज भी कहता हूं मेरा अख्तर मेंगल साहब ने जो कौमी असेंबली में जो तकरीर की वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, अख्तर मेंगल साहब दोस्त हैं मेरे, मैं आपको आज भी कहता हूं कि अख्तर मेंगल साहब परसों ही मेरे पास आए थे, हम बैठे थे और डिस्कस हमारा इस चीजों के ऊपर भी हुआ, जो अख्तर साहब की जो डिस्कशन उसके ऊपर, कभी आप बैठेंगे मैं उसके ऊपर लिख भी रहा हूं, जो मैं रात के दिन लिखूंगा इसके ऊपर। मेन चीज ये है कि वो अपनी तौर पर बात है, मेन चीज है हमें हमारी गवर्नमेंट जो 5 साल है वो सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो अपोजिशन के परफॉर्मेंस में आता है कि आप अपने इत्तेहादियों से किए गए वादे पूरे करें, आप बीएनपी मेंगल और एमक्यूएम के साथ किए गए वादे पूरे करें। मैं समझता हूं कि जो हमारे इत्तेहादी हैं उसके साथ किए हुए वादे बिल्कुल अहमियत रखते हैं, मगर उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर जो चीजें दी है कि एक्सपेंडिचर को कम करना, ट्रेड डेफिसिट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इन चीजों के लिए ज्यादा करने वाले हैं, इन चीजों के ऊपर जो हमारा फोकस जो है इकोनॉमिकली जो क्राइसिस जो है उसको अगर हम मैच कर देते हैं, और हमने जो बातें की है हमारे कॉल और फैल में फर्क नहीं होता, और हमने राइट पर्सन राइट प्लेस के ऊपर लगा के राइट डिसीजन राइट टाइम पे किए, तो मैं समझता हूं हमें अपोजिशन का कोई खतरा नहीं। अगर उधर हमारी गलतियां हुई तो फिर मैं समझता हूं हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर गलतियां, मैं सर मैं रमेश कुमार साहब को अप्रिशिएट करता हूं, उस दिन भी मेरे साथ टॉक शो में बैठा था, तो इमरान साहब की मेरिट की बात आ गई और उसकी मेरिट मैंने डिस्कस किया कि अपने दोस्तों को बच्चों की उम्र के मुताबिक उनको मतलब के एकोमोडेट करना, जुल्फी बुहारी साहब की बात आ गई और उसी दिन इमरान साहब ने उसकी नोटिफिकेशन जारी की थी, तो मैंने कहा अजीम शुजात साहब को जब उसके डुअल चार्जे नेशनलिटी पे शुजात अजीम साहब को डुअल नेशनलिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, तो मैंने रमेश कुमार साहब से कहा कि आज आपकी पीएम साहब ने, हम सिलेक्टेड कहते हैं लेकिन चलो आप इलेक्टेड कहें, क्या आपके पीएम साहब ने जो फैसला किया उसको आप गलत कहेंगे? तो रमेश कुमार साहब ने कहा कि जो गलत है वो गलत है, अगर शुजात अजीम साहब की डुअल नेशनलिटी पे डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है तो मेरे ख्याल में जुल्फी बुहारी साहब को भी नहीं होना चाहिए, तो इस पे तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जहां तक जो इनकी जो रमेश कुमार साहब की जो इत्तेहादीस की बात की और फिर इसने मंशूर पे और मैनिफेस्टो पे बात की, देखिए सबसे पहले अगर आपको पता था कि इस मुल्क में ये हो रहा है तो आपने एमकेएम के साथ और मेंगल के साथ जो इत्तेहादी होने के नाते आपने जो एग्रीमेंट साइन की है उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये मुल्क इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? क्या उस वक्त आपको ये अंदाजा नहीं था कि एमकेएम को आपने चोर डाकू कहा था? क्या आपको उस वक्त पता नहीं था कि आपके फैसल वाडा मेयर कराची के खिलाफ नैब में गया है? इस वक्त आपको पता नहीं था कि आपने उसको कराची का दुश्मन कहा था? लेकिन आपने फॉर द सेक ऑफ ओनली दिस कि आपकी हुकूमत बनी, अगर आप मदीना स्टेट बनाना चाहते थे तो आप ऐलान करते कि हम किसी से वो मुतालिबात नहीं मानेंगे जो जिसको हमने अपने जुबान से उनको मुतालिब अल्फाज़ कहे। एक लाइन में जरा जवाब मैंने सलीम जैसा नहीं, एक मिनट, हमने एमक्यूएम पाकिस्तान अब काफी फिल्टर होके आ गई है और हमें फिल्टर 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 ये फिल्टर फिल्टर फिल्टर
ये गलत बात है, ये जाती है कि हमारे तो क्या सदी की फिल्टर हो गया, क्या मेरे भाई साहब फिल्टर हो गया, नहीं नहीं, क्या ये वही इकबाल मोहम्मद अली साहब? देखें, इकबाल मोहम्मद अली साहब को हम बड़ा बहुत पुराना जानते हैं, ये बहुत पुराने फिल्टर्ड हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, मैं समझ और ये जो स्पोर्ट्स कमेटी थी जो कौमी असेंबली की, उसमें इनका जो किरदार है वो हमेशा से फिल्टर्ड किरदार था इनका, मैं इनको किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जो कराची का मैंडेट है, हमें कराची के अवाम के साथ किए हुए वायदे पूरे करने हैं। अगर ऐसी हमें इताद की जरूरत होती तो हम पीपुल्स पार्टी से इताद कर सकते थे, मगर इताद नहीं किया एमक्यूएम को चॉइस। बात बार रिपीट किए जा रहे हैं, मैं एक बात करना चाह रहा हूं जी कि देखिए, बात वो होनी चाहिए जो सबके साथ इंसाफ होता हो। आजकल बड़ी डैम की बहुत बात हो रही है कि डैम हमने बना लिया, डैम के लिए चंदा जमा किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि डैम के लिए पहले से नवाज शरीफ साहब ने, हमारी हुकूमत ने पहले ही से ही 122 अरब रुपए उस पर खर्च कर चुके हैं, उसकी फिजिबिलिटी बन चुकी है, उसकी जगह की जगह को एक्वायर करने के लिए जगह ली जा चुकी है, उस पर काम हो चुका है। अब ये गैर जरूरी तौर पर एक डैम का इशू खड़ा कर दिया गया है और एक अनड्यू क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस जरूरत इस बात की है कि हर अदारा जो उसके अपने अपने स्फेयर में रहकर काम करे और जो उसका काम है बुनियादी तौर पर वो करे। इस वक्त मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि अदलिया को भी उन 18 लाख केसेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो ठीक है सलीम जान साहब, आपने वो केस की हियरिंग सुनी थी, और मैं समझता हूँ ये डैम बनाना जरूरी है जी, डैम बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये डैम बनाने का फैसला एक ऐसे केस की समाअत के बाद हुआ, तवील हियरिंग के बाद हुआ, जिसमें तमाम पार्टियों के लोग आए और ये तय किया गया, ये रियलाइज किया गया कि ये पानी जो है ये पाकिस्तान में खत्म हो रहा है, पानी को शहरियों तक फ्राहम करना ये उनकी बुनियादी इंसानी हकूक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल करे, उनको तहफ्फुज़ दे, इसलिए सब ने मिलकर ये फैसला किया। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, नून लीग के लोग भी आए, सब ने, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए, सब ने उसमें हियरिंग में हिस्सा लिया। और फिर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा, लेकिन अभी जो ढोल पीटा जा रहा है ना कि जी इसके लिए चंदा जमा करना है, ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये भी उसी का ढोल पीट रहे हैं कि जी चंदा जमा, वो तो चंदा जमा करने के इतने आदि हो गए हैं कि हर चीज के लिए चंदा जमा करना चाहते हैं भाई। अब उनको महसूस होना चाहिए कि अब वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड ही सही, लेकिन उनके पास एक ओहदा आ गया है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब, लेकिन वो भीख मांगने का और चंदा जमा करने की आदत उनकी नहीं जा रही है। देखिए अपना सिलेक्टेड ही है ना, और क्या क्या है? अच्छा चलें ठीक है, कौन सा इलेक्शन हुआ है? आपकी बात मान लेते हैं, आखिरी सदा इलेक्शन हुआ है, सबसे बदनाम ये भी मान लिया, और मैं समझ, लेकिन सलीम जिया साहब, सलीम जिया साहब, अगर वो डैम के लिए चंदा मांग रहे हैं, भीख आप कह रहे हैं भीख मांग रहे हैं, तो अपने ही लोगों से भीख मांग रहे हैं ना, पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे हैं, बहुत से लोग उनको भीख दे रहे हैं, आपने उनको नहीं देनी भीख आप ना दें, लेकिन जो लोग दे रहे हैं उनको तो अप्रिशिएट करें। नहीं देखिए, मैं देखें आपसे बात बताऊं, ये खाम खाई की ये ही प्लेइंग टू द गैलरी, उसके लिए एक बाकायदा सेटअप है, और ये जो ये डैम्स हैं ये चंदों से नहीं बनते, कभी भी किसी मुल्क ने चंदों से नहीं बनाया, उसके लिए डैम के लिए उसके लिए रकम मुख्तस की जाती है, जो हमने की हुई है, इस साल भी की हुई है, इस बजट में भी की हुई है। उनको चाहिए कि दूसरी जगह से एक्सपेंसेस कम करें और वो इस डैम में डालें, करना एक उनकी आदत बन चुकी है, उनको चाहिए कि ये इस आदत को वो छोड़ दें। अब वो एक मैं समझता हूं कि पहुंच चुके हैं जिस तरह भी पहुंचे हैं जी। माजी में जब भी, क्योंकि जब भी कोई डैम के डिस्कशन आता था कि भाई डैम जो बनेगा उसमें 10 साल लगेंगे, फोकस ज़्यादा होना चाहिए था, मगर वो डैम के ऊपर इतना फोकस नहीं हुआ, मगर फिर भी पीएमएलएन ने बिल्कुल ज़मीन अक्वायर की है, तो ज़मीन अक्वायर की है कौन, उससे जो है वो अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। इनॉग्रेशन पीपल्स पार्टी ने की थी, देखे ना, अब पीटीआई की गवर्नमेंट ये चाहती है कि 5 साल के अंदर हम इसको करें, और बजट रखी गई है, मगर साथ में अगर एडिशनल बजट, अगर आवाम से, एक गवर्नमेंट के ऊपर आवाम का फेथ है, क्योंकि वैसे तो आवाम का फेथ इतना डोनेशन नहीं मिलती है, अगर 8 लाख रुपए अगर डोनेशन एक लीडरशिप के कहने के ऊपर मिलती है तो उसमें फिलहाल क्या है उसके ऊपर आपने कमर तोड़ दिया। पाकिस्तानी उसको आप कितना लेंगे, वो बेचारे वहाँ खून पसीना से अपनी कमाई करते हैं। मैं समझता हूँ सलीम जिया साहब, जो डोनेशन देगा
वो कश्मीर पर बात देगा, जो पाकिस्तान के नेक काम में हाथ बांटना चाहेगा उसके पैकेट में होगा, उसको बचत होगी तब उसका डालेगा। आपकी इज्जत करता हूँ, बात सुन रही है कि आपने मुझे तब भी देखा है, नहीं मेरी एक बात सुने, आपने मुझे पार्लियामेंट्री पार्टी में तब भी देखा है कि मैं रियलिस्टिकों के बात करता था, तब भी मैं हकीकत पसंद की बात करता था, सही को सही कहता था, गलत को गलत कहता था। आज भी मैं ये कहूंगा, आज भी ये नहीं होगी कि मैं गलत को कहूं कि नहीं, या ये गलत जो है वो काम बिल्कुल जो सलीम जिया साहब, तो कम से कम हमें अच्छी चीज को अगर माजी के अंदर अगर डैम के पैसे तो मैं मानता हूँ। सलीम जिया साहब आप ये तो अप्रिशिएट करें कि रमेश कुमार साहब ने जुल्फी बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट पर जो मौकफ इख्तियार किया है वो बड़ा जुर्रतमंदाना है, और अभी तो इनकी हुकूमत को है वो एक महीना हुआ है, पहले महीने में वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट करें प्लीज। इनकी हम बहुत सारी चीजों को इनको सराहते हैं, हाँ। इन्होंने यकीनी तौर पर बड़े बड़े काम किए हैं और जो ये काम इन्होंने किए वो और कोई नहीं कर सकता है, जारी बात है। जुल्फी बुखारी साहब की मजम्मत तो कोई नहीं कर सकता ना पीटीआई के अंदर रह के, इन्होंने ही किया, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। देखिए हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जनाब, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। चले ठीक है, चले अब आगे चलते हैं, अप्रिशिएट करवा दिया जी आप, हो गया, मैं अप्रिशिएट कर दिया बात की। देखिये मैं डिनाई नहीं करता, मैं जब शुजात अजीम की अपॉइंटमेंट हुई एज ए एडवाइजर, पहली चीज तो ये कि ड्यूल नेशनल नहीं लग सकता था, मैंने उस टाइम भी लेटर लिखा, मैंने कहा सर ये गलत चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि स्पेशल असिस्टेंट जो है वो ड्यूल नेशनल लग सकता है, मगर हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो फिर हम लोगों को मीडिया को ये मौका नहीं दें। इस वजह से मैं समझता हूं हकीकत में स्पेशल असिस्टेंट के लिए ड्यूल नेशनल का जो बार नहीं है कि नहीं हो, मगर फिर भी जो चीज क्रिटिसिज्म बने जिसके लिए जो है वो, तो हमें कम से कम आज वे फॉरवर्ड पॉजिटिव लाना चाहिए कि हमारे साथ मीडिया भी खड़ा हो, हमारे साथ अपोजिशन भी खड़ा हो, कि कम से कम हम पाकिस्तान को आगे एक मिनट सलीम जिया साहब, वो बैरामन तंगी साहब से मुझे जरा बात कर लेने का इजाजत दे दें तो वो बिल्कुल वो जरूर गुफ्तगू करें, चाहिए ना करे वो करे ठीक है। की कुर्सी हवा लग गई है। अच्छा बैरामन तंगी साहब सेनेट में मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी अक्सरियत है, तो अब ये जो मिनी बजट आया है ये पास हो ना हो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक एम्बैरेसमेंट तो होगी अगर ये सेनेट से पास नहीं होता। आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना है उसमें ये फिनांस सप्लीमेंट्री बिल जो है ये अभी पास नहीं हुआ, शायद कल हो जाए, कोशिश की जा रही है, तो इसमें कोई आप नहीं समझते कि मुल्की मुफाद का तकाजा है कि जो चीजें जो हैं उस पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक हो सकता है उस पर तनाजा खड़ा ना किया जाए। देखिए हामिद मीर साहब, शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये स्टैंड है कि जब भी कौमी असम्बली में और सेनेट में ऐसा बिल कि जिससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का फ़ायदा हो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बिल अभी असद उमर साहब जो नए पाकिस्तान का लाडला है जो कि 3 महीने पहले गैस के बारे में उसकी तकरीर और फुटेज रिकॉर्ड पे हैं, इमरान साहब की तकरीर और फुटेज रिकॉर्ड पे हैं, जैसे एक दिन एमकेएम के साथ इमरान साहब की एक टॉक शो था और वो तहरीन इमरान के बारे में मेरे ख्याल में आपने उनसे सवाल किए थे और आपने वो फुटेज देखा दी, इसी तरह ये फुटेज भी अभी भी रिकॉर्ड पे है कि इन दोनों ने जो कुछ कहा था गैस के रेट के बारे में, बिजली के बारे में, पेट्रोल के बारे में, डॉलर्स के बारे में वो रिकॉर्ड पे है। अगर ऐसे बिल आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफत करेंगे और इसको पास होने नहीं देंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां स्टैंड लेगी जहां तक जब भी पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात आएगी। लेकिन हामिद मीर साहब मैं आपको एक बात बता दूं, क्या जब ये मैनिफेस्टो और मंशूर के साथ आवाम के इलेक्शन में जाते थे तो इनको पता नहीं था कि इस मुल्क का क्या हाल है? क्या इसने ये नहीं कहा था कि हमारे पास ऐसी टीम है कि जब मैं पीएम बनूंगा तो पीएम बनने के बाद 40 रुपए जो टैक्स ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब उनको मैं खत्म करके 60 रुपए के पेट्रोल की कीमत लगाऊंगा? तो मैंने नहीं कहा था कि आप 1 करोड़ नौकरियां दे दे उसके लिए 5 साल, हम ये नहीं कह रहे कि 50 लाख घर अभी दे दे उसके लिए 5 साल, लेकिन जो कुछ कहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनके हाथ में जो ताकत थी वो हम मुतालबा करते हैं। अच्छा, कि वो क्यों नहीं हुआ? अच्छा इकबाल मोहम्मद अली साहब, यूटर्न की बात हम नहीं कर रहे, चलो छोड़ के छोड़ दे, तैयारी में नहीं जाएंगे, दौड़ी नहीं करेंगे, यूटर्न पे हम बात नहीं करते, जो प्रोमिस किए हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं प्लीज।
मैं भी बहुत कुछ चला सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने इकबाल मोहम्मद अली साहब से बात, इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये जो बजट मिनी बजट था जिस पे असद उमर साहब ने पेश किया, आपके ख्याल में सब बातें उनकी ठीक हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि सब बातें, देखिए आपने जो आवाम से तवक्कुआत, आवाम की जो आपसे तवक्कुआत थी उसके ऊपर आवाम ने आपको पूरा भरपूर आपको मैंडेट दे दिया। मगर मैं साहब, जैसे गैस का लैब है अब जो स्लैब पे जिन्होंने पेश किया है, और इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा, पेट्रोल का आ रहा, ये गरीब आवाम के ऊपर जो है ना ये बोझ आएगा इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो पहले पॉलिसी, जैसे ये बता रहे हैं इमरान खान साहब ने अपनी, कहते रहे कि हम गरीबों के साथ हर चीज़ के ऊपर वो करना है, मगर आप देखें अगर एक खानदान के पांच बच्चे हैं और दो मियां बीवी हैं और एक आध आदमी है, तो उस घर को अंदर एक 143% आप उसका गैस का जो आपने स्लैब दिया है उसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। तो फिर उसके उस घर का बजट किस तरीके से बनेगा? इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ा रहे हैं आप, तो सारी चीजें इसको अभी इतनी जल्दी वो नहीं करना चाहिए। तो आपके ख्याल में कि ये फिलहाल इसको तब्दील करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसके ऊपर आपकी पार्टी की इस पर तहफात है जी, बिल्कुल है। हम कहते हैं कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि पब्लिक पॉपुलर फैसले करे, हर पॉलिटिकल, लेकिन वो आपके मगर है। मगर हम क्यों ये जा रहे हैं? हम देखो, हमने इस बजट के अंदर, मैंने इसको गौर से पढ़ा, पहली चीज तो ये कि अगर सार्फिन जो एलएनजी के ऊपर, जो सिलेंडर के ऊपर जा रहा है उसके अगर आप बुरा ना बनाए, आप इकबाल मोहम्मद अली साहब की बात गौर से सुन लें जी। मोहम्मद अली साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई है? मेरी बात हो गई, मैंने इनकी बात गौर से सुना, बैन की बात बिल्कुल गौर से सुनाऊं। रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि आज 152 अरब रुपए की अगर सब्सिडी वहां पे दी गई, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि आज भी सब्सिडी हम देते जाएं? ठीक है, हमें सब्सिडी से पहली चीज निकलना पड़ेगा। आज जिन जगह पे खड़े हैं, अगर रुपए का अगर मुझे तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गरीबों पे 183 अरब। बात यह है कि आपको अपने मुल्क को खुद मुख्तियार बनाना है, कर्जों से निजात दिलानी है, तो माजी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने, मगर माजी के जो हुकूमतें जो गुजरी है कम से कम उनको साथ में, और शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की उसको वेलकम किया गया कि हम मुआशी इमरजेंसी के तहत हम बैठते हैं साथ में, और उन्होंने अगर टैक्स रिफॉर्म की कि भाई जो टैक्स हाय पेयर है उसको आप ज्यादा टैक्स, तो आपने शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट कर दिया यहां। मैं समझता हूं कि उसने जो बात की है तो अब चलो चलो अब जरूरी है, अब उसी टाइम डायरेक्ट टैक्स है जो नॉन फाइलर्स के ऊपर, जो पहले के 50 लाख रुपए मोहम्मद अली साहब की बात गौर से सुने कि नॉन फाइलर जो है उनको छूट दिया, छूट दिया। आज के जो गुफ्तगू है, इसके जो स्टार बैट्समैन है वो इकबाल मोहम्मद अली साहब हैं, जो वो हमेशा बैट्समैन है, फुट में आगे खेल रहे हैं, आपके सलाह के लिए बात करते हैं, उसके अमल करना चाहते हैं। बॉल गुगली तो फेंकी असद उमर साहब, ये चौके लगा रहे हैं, ये ओपन डिस्कशन के तौर पर ये चीजें आएंगी तब इस्लाह होगा, और हम इन चीजों को चाहिए ताकि इस्लाह हो। अब जरा सलीम जिया साहब अप्रिशिएट किया है रमेश कुमार साहब ने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को, और थोड़ी देर पहले आपने भी जुल्फी बुखारी साहब के मामले में मौकफ जो है उसको अप्रिशिएट किया, और बैरामन तंगी साहब ने भी किया। अभी भी कोई चीज अप्रिशिएट करने वाली रह गई है सलीम जिया साहब? नहीं, देखे जी, मैं एक चीज रह गई है, वो ये कि देखे हमें ये तासुर ये मिल रहा है अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, कि इन पीटीआई की कतन किसी किस्म की इलेक्शन के हवाले से कोई तैयारी नहीं थी। अब ये देखे इतना मेचर इनका रवैया है, बचकाना रवैया है, ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, आपने देखा दो तीन वाकयात ऐसे हुए हैं जो मजाका खेज हो गए। अमेरिका के हवाले से जो वहां से ट्वीट आई है, वहां से जो मैसेजेस आए उसको सही तरह ये समझ नहीं पाए, कहा कुछ कहा गया, इन्होंने कुछ समझाया। इसी तरह भारत के हवाले से भी कोई बात जो है वो इसी तरह की आई, और अब जो बहुत ही मजाका खेज बात हो रही है, बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि शाह महमद कुरैशी साहब वहाँ चले तो गए हैं, और वहाँ जो पोम्पियो साहब हैं उन्होंने उनको 2 अक्टूबर से पहले का टाइम नहीं दिया है, यानी 10 दिन तक वो वहाँ वो सैर सपाटे करेंगे, वहाँ रहेंगे। ये तो हमारी अहमियत है, इनको ये चाहिए था कि ये काम यहाँ से करके जाते, होमवर्क करके जाते, तारीख लेकर जाते, टाइम लेकर जाते, लेकिन ये तासुर ये पड़ रहा है हमें, पाकिस्तान के अवाम को, कि दे वर नॉट रेडी फॉर दिस।
इनको इनकी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है किसी भी महकमे में। सलीम मगर मुझे बताओ कि आपने अपने टाइम में जब मियां साहब ने साढ़े चार साल जब आपने अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि आपकी अरे कम से कम फॉरेन ऑफिस अभी काम कर रही है अभी शामिम कुरैशी जैसा तजर्बा बनता है कम से कम उन चीजों को जवाब मिल रहा है तो माजी से तो बेहतर है माजी से बेहतर है दस दिन तक बैठे रहे आपने उस टाइम क्यों नहीं कहा ये रमेश कुमार की बात सही है कि उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर तो काम हो रहा है। आज ये भी वक्त आना था कि तंगी साहब को भी बोलने के लिए जो है वो मौका नहीं दे रहे कोई हालांकि ये दूसरों को मौका नहीं देते जी तंगी साहब देखिए हमीद मीर साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंडिया के साथ जो कुछ हुआ अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ होना ये चाहिए था कि ये इमरान साहब पार्लियामेंट को एतमाद में लेके तमाम पोलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को एतमाद में लेके ये उनके साथ मुजाकरात के लिए आगे बढ़ते तो ये उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसका ये बयान ना था हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए वी आर यूनाइट लेकिन अभी जो शामुद कुरैशी गए हैं जैसे जिया साहब ने कहा कि इनकी तैयारी नहीं है बिल्कुल बचकाना हरकतें अगर ये अमेरिका जाना चाहते थे अभी 29 तारीख पे उनकी स्पीच है तो इनके पास कोई स्केजुअल है कोई टी वार्स ना इसने यहां पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स के साथ मुलाकात करके कोई कमेटी बना के मतलब देखिए एक बहुत बड़ा अच्छा टाइम था कि ये जन असेंबली में स्पीच के दौरान पूरी दुनिया को एक मैसेज देता अच्छा लेकिन क्या ये जनरल असेंबली की स्पीच में आपने नुक्ता उठाया बड़ा शाहरुख कुरैशी के हवाले से पीपल्स पार्टी का अगर आप जा दें इकबाल मोहम्मद अली साहब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं उन्होंने तकरीर करनी है मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने इंटरनेशनल सिनेरियो भी आपके सामने है तो क्या इत्तेहादियों को एतमाद में लिया शाह महमूद कुरैशी साहब देखें ये जो आपने सवाल किया है ना अभी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं वो इसको और ये है कि इत्तेहादियों को सबको एतमाद में लेके ही सारी चीजें होंगी और जिस तरीके से इन्होंने कहा पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेना चाहिए और सबसे बड़ा इशू आपका कश्मीर के और आप जो कश्मीर के इस वक्त हालात हैं आप देखें कि रोजाना कितने मासूम कश्मीरी मारे जा रहे हैं नौजवान जिसमें हमारी मर्द माएँ बहनें सब वहाँ पे उसके और आपको इसके ऊपर ज़रा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आज जो इंडिया बातें कर रहा है जो जिस तरीके से जिस जबान में वो बात कर रहा है तो उसी जबान में वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर भी उसको वहाँ पर बात करनी चाहिए अच्छा वैसे रमेश कुमार साहब ये इकबाल मोहम्मद अली साहब कश्मीर पर आज से 5 साल पहले भी इसी तरह बात कर पहले भी फिल्टर्ड ही थी ये आपकी बात मैं हजम नहीं मुझे लास्ट ईयर अयाज सादिक साहब नहीं गए थे तो कॉमनवेल्थ के अंदर सीपीए का जो था अजास अयाज साहब की जगह पे मैं गया था मेरे साथ चारों स्पीकर थे हाँ। वहां पे जो मेरी स्पीच थी और वो स्पीच जो है वो इसमें बहुत हाईलाइट किया गया कि हम अपने आप को समझते हैं और कश्मीर को ही मैंने हाईलाइट किया था कि क्यों नहीं हम जो है वो लोगों को भेजते वहां पे और कश्मीर पास कुछ मिनट बाकी बचे हैं कोई आप ऐसी बात कर सकते हैं कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को जो धमकियां दी जा रही हैं इनके हवाले से कि सलीम जिया साहब भी आपसे इत्तेफाक करें बैरामन तंगी साहब भी और इकबाल मोहम्मद अली साहब भी देखिए मैं समझता हूं कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी की वजह से मजबूत इकोनॉमी की वजह से जो तकबर है वो खुदा को भी पसंद नहीं है और दूसरी चीज ये कि गरजते हैं वो बरसते नहीं है पाकिस्तान के हवाले से ये तस्वर किया जाता है इंडिया में कि पाकिस्तान की फौज 6 लाख नहीं है पाकिस्तान की फौज 22 करोड़ फौज है क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का जो जज्बा अपनी फौज के साथ अपनी धरती के लिए जो खड़ा रहता है वो किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है अच्छा तो इस वजह से ऐसा कोई चांस नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे थोड़ा सा तजब ये होता है कि सीनियर पॉलिटिशियन है मगर हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जर्मनी हमने किन किन मुल्कों को देखा हुआ है सारे अमन मुजाकरात छोटी सी बात करेंगे कोई इस पर इख्तलाफ तो नहीं है आपको रमेश कुमार साहब से देखे ये तो बातें हैं जबानी हाँ। हम तो अमली तौर पर देखना चाहते हैं और हमें तवक्को ये थी कि जिस दिन इमरान साहब को सेलेक्ट किया गया और जब ये वहां पर पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे सेलेक्ट थे नहीं है, इलेक्ट इन्होंने एक लफ्ज कश्मीर के लिए नहीं कहा हाँ। होना तो ये चाहिए था कि उस दिन वो कश्मीर पर भरपूर तौर पर गुफ्तगू करते
और आजकल जिस तरह का जुल्म तशद्दुद वहां पर हो रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो आपने उसको तकरीर करने नहीं दी, आपने उनको तकरीर करने नहीं दी। आपने वो प्राइम मिनिस्टर था अच्छा भला, उसको आपने अपोजिशन लीडर बना दिया, इतनी शाउटिंग की आपने उनपे। नहीं देखिए, देखें अगर वो इतनी जल्दी घबरा जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, ये तो उनको चाहिए था कि इकबाल मोहम्मद अली साहब ने आज फवाद चौधरी की बातें अपना भरपूर जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेटमेंट उनका है कि कश्मीर के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं हो जब तक अगर वो इसको का। और मैं ये आपको आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए ये भी बताता हूँ कि एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने और उसको बबांगे दोहल दिया है। हाँ। फवाद चौधरी साहब ने भी और रमेश साहब ने मैंने पब्लिक न्यूज के ऊपर इंग्लिश चैनल के ऊपर मैंने भी दिया परसों। अब पब्लिक न्यूज को जी मैंने अच्छा, पब्लिक न्यूज को वो मैंने तो बड़ा उनका एक्सट्रीमिस्ट किस्म का हार्ड लाइन मैंने उसके ऊपर मैं था और नकवी साहब थे। फवाद चौधरी साहब ने साहब मैं आपको एक बात बता दूं, रमेश कुमार साहब फरमा रहे कि भाई कौम 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को एतमाद में लेके पार्लियामेंट को एतमाद में लेके पाकिस्तान के लिए 22 करोड़ अवाम ने हमेशा कुर्बानियां दी है, लेकिन लीडर भी उनको विजन भी होना चाहिए कि मैं एक ऐसे फैसले करता हूं कि अगर मैं इंडिया को मुज़ाकरात की दावत देता हूं तो क्या मैंने पार्लियामेंट को या इस मुल्क की लीडरशिप को इत्माद में लिया है। जब आप इत्माद में नहीं लेते हैं तो फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि लोग आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हो जाए। सिलेक्टेड का क्या मतलब है सर, इसको है। बनाया गया है ना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर और जमातों ने इस इलेक्शन को जारी कहा है। अभी अभी आपने जिंदाबाद किया इकबाल मोहम्मद अली साहब को, तो उन्होंने तो वोट दिया है। देखिए ये वोट इन्होंने दिया है, वोट इन्होंने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है। ये तो कह रहे हैं जाली बैठ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एज ए फेडरल मिनिस्टर जाली जाली इलेक्शन का है, मैंडेट की बात और जाली इलेक्शन जाली इलेक्शन कमीशन को वो किया इसको कौमी असेंबली में तो इलेक्शन हुआ था ना, अगर नहीं वो जाली तो सिंध में भी जाली के मुकाबले। चले अब वक्त मेरा खत्म हो गया, वरना ये जो आपकी गुफ्तगू है ये तो शायद नाजरीन जो है वो रात के 2 बजे तक सुनने के लिए तैयार है, और खास तौर पे इकबाल मोहम्मद अली साहब आज आपने जो फ्रंट फुट पे चौके लगाए हैं और बगैर फिल्टर हुए, क्योंकि आप तो पहले से ही फिल्टर सर, अगर एमकेएम को पता चला कि हमें फिल्टर क्या कहा गया तो ये रमेश कुमार के साथ हो सकता है कि ये इतिहाद खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, एमकेएम इतनी भी बात हो गए खा चुके हैं, बहुत धोखे खा चुके हैं, बहुत धोखे खा चुके हैं और इनको फिल्टर कर चुके हैं, वो नहीं फिल्टर हुए ये इनको फिल्टर कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जहा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।